प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी और यूएलटी को ध्यान में रख करके हम लगातार आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास चला रहे हैं, जिसमें संकल बैच की आपकी क्लास रन कराई जा रही। संकल बैच की अगर हम बात करें तो संकल बैच में जो टॉपिक हिंदी में अवेलेबल हैं उन टॉपिक को हम लोग हिंदी के माध्यम से पढ़ते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जिन टॉपिक को हिंदी में हम लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे उन टॉपिक को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। जैसे आज हमने आपके साथ सुबह में साझा किया एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। जब हमने एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में आपके साथ चर्चा किया तो उसमें हमने आपसे बताया कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है इसके बारे में उसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं, उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था, उसके पैथोलॉजिकल नेचर के बारे में और उसके होने वाले बीमारी के बारे में और इन्फेक्टिव स्टेज के बारे में, यानी टोटली अगर हम बात करें लाइफ साइकिल उसकी पूरी हमने डिस्कस की। यानी पूरी जो टॉपिक है उस टॉपिक को हमने सुबह की क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था। साथ में हमने आपके उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1990 से लेकर के 2021 तक एग्जामों में पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर भी आपके साथ प्रश्नों को भी साझा किया था। अब ऐसे प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं, बन सकते हैं, तो उन प्रश्नों को हम लोग थोड़ा तेजी से सॉल्व करेंगे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लेकिन समय कम लगेंगे क्योंकि सभी प्रश्नों के बारे में वीडियो में हमने लगभग चर्चा कर दी है। एक दो प्रश्न हो सकता है ऐसा हो जिसके बारे में चर्चा नहीं की गई हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को भी देखें और प्रैक्टिस पेपर को साथ साथ करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और जितना हो सके तेजी के साथ आप जोड़ते जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्चुअल बेसिस का लगेगा। आरबीसी इज प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूला पे थोड़ा सा हमको लगता है कि लिखने में आपको गलत लग रहा होगा, लेकिन ये बात सही है और ये होगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका का। ठीक है, इसका सही आंसर आपका माना गया है आर्यल कोटपाल की बुक से माना गया है और उसमें सही आंसर माना गया एंटमीबा हिस्टोलिटिका का। बहुत ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं चूंकि वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में आपको बताया था। बात यहाँ पे व्हाट डिजीज इज कॉज्ड बाय द एंटमीबा हिस्टोलिटिका का, मैंने ये भी आपसे बताया था कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका का अगर होगा तो अमीबिक डिसेंट्री होगी या इसी को अमीबियासिस कहते हैं। अगर एंटमीबा जिंजिवाइलिस आ जाए तो जिंजिवाइलिस आने से आपको जो रोग हो जाएगा, जिंजिवाइलिस आने से आपको रोग होगा पायरिया हो जाएगा। एंटमीबा कोलाई आ जाए तो बेनिफिशियल प्रोटोजोवन के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे पैथोलॉजिकल नेचर ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका वाज डिस्कवर्ड बाय। अगर हमसे पूछा जाए कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका को किसने डिस्कवर्ड था तो हमारा आंसर जाएगा लेम्बले। लेम्बले ने 1859 ईस्वी में एंटमीबा हिस्टोलिटिका को ढूंढा था, लेकिन उसके जो डिजीज काज करने का तरीका था उसे फ्रेडरिक लोस नामक साइंटिस्ट ने ढूंढा था। तो आपका सही आंसर होगा, आपका पैथोलॉजिकल नेचर पूछा जा रहा है तो हमने बताना है लोस के पास जाएंगे और इन्होंने बताया था 1875 में, तो सही आंसर हो जाएगा लोस। फिर पूछा जा रहा है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका। सुबह मैंने इस पर बहुत देर तक चर्चा की थी कि इनके तीन फार्म होते हैं और उसमें हमने सब कुछ आपको बताया था, प्रीसिस्टेट क्या है और टेट्रान्यूक्लेट क्या है, सिस्टिस अवस्था क्या है और ट्रोफोजाइट स्टेज क्या है, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। तो जो टेट्रान्यूक्लेट सिस्ट होता है या इसी को हम लोग क्या कहते हैं क्वाड्रियोन्यूक्लेट सिस्ट जो होता है यही डिजीज काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिसाइड द बीड लाइक क्रोमेटिन ग्रेनुल से व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एंटमीबा हिस्टोलिटिका, क्या प्रेजेंट होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका में बीड लाइक जो दिखाई पड़ता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे कैरियोसोम। क्या दिखाई पड़ते हैं? कैरियोसोम। एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज फाउंड इन, एंटमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, तो सही आंसर आपका होगा इसका कहाँ पे, एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज फाउंड इन द कहाँ पे पाए जाएंगे एंटमीबा हिस्टोलिटिका, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंटेस्टाइन ऑफ मैन, कहाँ पे पाए जाते हैं इंटेस्टाइन ऑफ मैन पाए जाएंगे। ठीक है, अमेबिक डिसेंट्री इज काज बाई, अमेबिक डिसेंट्री किससे काज होती है आपको बताना है, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। अमेबिक डिसेंट्री किससे काज होती है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। एंटमीबा हिस्टोलिटिका काज बाई एंटमीबा हिस्टोलिटिका से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे डिसेंट्री हो जाता है। आसान क्वेश्चन कहते रहे, एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज फाउंड इन कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे, कहाँ पाए जाएंगे
सॉरी कोलोन में पाए जाएंगे, ठीक है, ये कहाँ पे कोलोन के पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे एंटमीबा हिस्टोलीट का एज विदाउट, कह रहा है एंटमीबा हिस्टोलीट का किसके अलावा होता है, तो आप कहेंगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अलावा होता है। किसके अलावा होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अलावा होता है। सिस्ट ऑफ एंटमीबा हिस्टोलीट का सिस्ट ऑफ अमीबिक डिसेंट्री स्प्रेड बाय, सिस्ट ऑफ अमीबिक डिसेंट्री स्प्रेड बाय किसके द्वारा फैलते हैं, इनके सिस्ट जो है किसके द्वारा फैलते हैं आपको ये बताना है। तो ये फैलते हैं किसके द्वारा, हाउस फ्लाई के द्वारा फैल जाते हैं। उसके बाद अमीबिक डिसेंट्री इज मेन इज कॉज्ड बाय, फिर से वही क्वेश्चन है, तो आपका एंटमीबा हिस्टोलीट का हो जाएगा। एंटमीबा जिंजिवेलिस से पायरिया होता है, एंटमीबा कोलाई से लाभदायक होते हैं, और अमीबा प्रिस्टिस अमीबा प्रोटियस ही है। द एंटमीबा हिस्टोलीट का द नॉर्मल ट्रोफोजॉइट आर कॉल्ड, नॉर्मल ट्रोफोजॉइट को हम लोग क्या कह सकते हैं आपको बताना है। नॉर्मल ट्रोफोजॉइट को हम लोग कहते हैं, 13 का आंसर आपको बोलना है। तो नॉर्मल ट्रोफोजॉइट को कहा जाता है मैग्ना फॉर्म, क्या कहते हैं, मैग्ना फॉर्म कहा जाता है। एंटमीबा हिस्टोलीट का वाज नो नीड फॉर, एंटमीबा हिस्टोलीट का कि किसी की आवश्यकता नहीं, तो नो नीड फॉर किसकी, फीडिंग की, ऑस्मोरेगुलेशन की, ग्रोथ की, रिप्रोडक्शन की, तो किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो ऑस्मोरेगुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे आ जाए प्रीसिस्टिक स्टेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलीट का इज कॉल्ड, प्रीसिस्टिक स्टेज क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे माइनोटा फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, माइनोटा फॉर्म कहलाता, माइनोटा फॉर्म कहलाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एंटमीबा हिस्टोलीट का इज ए ह्यूमन पैरासाइट यूजली फाउंड इन, एंटमीबा हिस्टोलीट का ह्यूमन पैरासाइट है और एक मुख्यतः पाया जाता है कहाँ पे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कहाँ पे, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे द माइनोटा फॉर्म ऑफ द एंटमीबा हिस्टोलीट का डिफर फ्रॉम द अमीबा प्रोटियस इज हैविंग, कह रहा है माइनोटा फॉर्म एंटमीबा हिस्टोलीट का से अलग होता है क्योंकि उसके पास नहीं पाए जाते, नो फूड वैक्यूल, इसके पास फूड वैक्यूल नहीं पाया जाता। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटमीबा हिस्टोलीट का डिफर फ्रॉम द अमीबा प्रोटियस बिकॉज नो फूड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और उसके बाद इंसिस्टेड स्टेज इज नॉट नोन टू अकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ, इंसिस्टेड स्टेज इज नॉट नोन टू अकर इन लाइफ साइकिल ऑफ, नहीं पाए जाते किसके लाइफ साइकिल में, तो आप कहेंगे एंटमीबा जिंजिवेलिस के। और उसके बाद मोनोपोडियल लोकोमोशन डज नॉट अकर इन, मोनोपोडियल लोकोमोशन नहीं पाया जाता किसमें, तो आप कहेंगे मोनोपोडियल लोकोमोशन नहीं पाया जाता एंटमीबा जिंजिवेलिस में। और उसके बाद पूछा जा रहा मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंटमीबा हिस्टोलीट का, एंटमीबा हिस्टोलीट का सबसे एक्टिव पार्ट क्या होता है आपको बताना। चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसी में से सही आंसर को आपको चयन करना है, और सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्रोफोजॉइट स्टेज इसका जो होता है ये आपका सही आंसर हो जाता है। आपको एक बात बताते चले, एक मिनट इसको कर लें उसके बाद बता रहे हैं। एंटमीबा हिस्टोलीट का है, एंटमीबा हिस्टोलीट का अपने पास किसको रखता है, तो आप कहेंगे एंटमीबा हिस्टोलीट का के पास पाए जाते हैं नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कोई भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता। आपको बता दें कि स्टडी विद प्रदीप के द्वारा आपके लिए लगातार टीजीटी पीजीटी एलटी की तैयारी के लिए क्लासेस बायोलॉजी की रन कराई जा रही, बहुत जल्दी आपको एलटी और जीआईसी के लिए जीएस की क्लास भी आपकी स्टार्ट कर दी जाएंगी, जिसमें साप्ताहिक आपको एक स्टैटिक जीके की क्लास मिलेगी और लगातार आपको डेली जो है कम से कम 40 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस पेपर का मिलेंगे, जो लगातार वो आपके आगे बढ़ते रहेंगे। नवरात्रि से इस प्रक्रिया को हम प्रारंभ करने वाले हैं ईएलटी और जीआईसी को ध्यान में रख करके, ताकि आप उसे डेली करते रहें। पहले लगातार कुछ दिन तक हम स्टैटिक जीके टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जैसे भारत के मंदिर, भारत के जो हैं पावन स्थल, भारत के क्या कहते हैं राज्यों की सीमाएं और उनके अलग अलग चीज़ें, नदी, तालाब, झील, झरना, पक्षी विहार, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इन सभी चीज़ों को हम लोग पहले बेसिक करेंगे, क्योंकि यहां से आपके 2-3 प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीन बेसिक चीज़ों को अगर कर लेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, ठीक, पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, न्यायालय, इन सभी चीजों को अगर हम कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे पास 10 से 15 क्वेश्चन का कलेक्शन बड़े आराम से होगा, क्योंकि यहाँ से 5-7 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर ये बेसिक हमारे क्लियर नहीं होंगे तो हम फिर उसका जो करंट अफेयर्स है उसे भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके एलटी या जीएससी के एग्जाम में सबसे बड़ा जो रोल होता है करंट अफेयर्स का होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को फेस करना पड़ता है और 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अगर 10 प्रश्न आपके सही हो जाते हैं और 10 प्रश्न इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ज्योग्राफी, हिस्ट्री
और सबको मिला करके कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, सबको मिला करके 10 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगर आपने उसे सही कर लिया तो फिर आपका काम सही हो जाएगा और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। कहने का अर्थ है 10, 10, 20 प्रश्न, 25 प्रश्न, 30 प्रश्न अगर आप सही कर पाते हैं तो आपका बेटर स्कोर माना जाता है। और इसके लिए 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे की आपके क्लास की कोई आवश्यकता नहीं। सही बता रहे हैं, आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे अपने सब्जेक्ट को पढ़िए। सब्जेक्ट में भी 6 घंटे, 5 घंटे यूट्यूब मत देखिए। मेरी बात मानिए, देखिए मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप देखिए मुझे पैसा मिलेगा, बात एकदम पदे की बोलूँगा, मुझे तो पैसा मिलेगा। मैं तो कहूँगा भाई आप दिन भर मुझे देखिए और मुझे पैसा मिले। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर दिन भर आप क्लास देखेंगे तो फिर आप पढ़ाई कब करेंगे? इसी क्लास को हमने पढ़ाया था, उन लोगों के लिए हमने प्रैक्टिस करवा दी जिन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी। भाई ठीक है आपके पास समय नहीं, आप 20 मिनट से 25 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 48 सेकंड हुए हैं, मतलब हमको लगता है कि 12 से 15 मिनट में आपने 30 प्रश्नों का रिवीजन कर लिया। अब इसमें से अगर आपसे पूछ लेगा सारे प्रश्न लगभग आपको याद हैं, आपने अगर क्लास भी देखा। जिन बच्चों ने अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको पहली बार पढ़ना है, जिन्होंने अभी कंपटीशन नहीं दिया था या कंपटीशन में इतने सीरियस नहीं थे टीजीटी पीजीटी को लेकर के, उनको तो वीडियो भी देखनी पड़ेगी और ये भी देखनी पड़ेगी। लेकिन जो लोग सीरियस हैं, थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए इतना बहुत है, आप बस प्रैक्टिस पेपर मारते रहिए, आपका काम आसान हो जाएगा। और किताबें पढ़िए, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको टीचर बनने का ख्वाब है तो आप किताबों से रिश्ता रखिए, किसी के नोट्स पे डिपेंडेंट मत रहिए। हर एक व्यक्ति देगा, हर चैनल से नोट्स मिलेगा, हर एक इंस्टीट्यूट नोट्स बेचेगा, लेकिन आपको मेरी सलाह बार बार मैं कहता हूँ कि आप किताब खुद से पढ़ने की आदत डालिए, आप खुद देखेंगे कि बहुत बेहतर आप स्कोर कर पाएंगे। इस बात का आपको शायद आप हमारे बात से सहमत भी होंगे। और लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और 5-7 प्रश्न बचे हैं तेजी से खत्म कर लेते हैं, समय बहुत मूल्यवान है इस समय, क्योंकि सामने आपका पेपर है। बातचीत करने के लिए बहुत वक्त मिलेगा, हम लोग बहुत बात कर लें, पहले आप एक सीट रिजर्व कर लीजिए अपनी, फिर पूरी लाइफ हमें आपको बात करनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन होस्ट, कौन ऐसा है जिसमें एक ही होस्ट पाया जाता, तो मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल पाई जाती है एंटामीबा हिस्टोलिटिका में। द एक्सक्रीशन ऑफ द एक्सक्रीशन इन एंटामीबा हिस्टोलिटिका टेक प्लेस, किसके द्वारा एक्सक्रीशन होता है, तो जनरल बॉडी सरफेस होता है, हमने सुबह आपको वीडियो की क्लास में बताया था। हाउ मेनी यंग अमीबी हैच आउट फ्रॉम ए सिस्ट ऑफ द एंटामीबा हिस्टोलिटिका, 8, कितने होते हैं 8 भाई, कितने हो जाएंगे, कितने हैच करेंगे, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 25 का। अच्छा 1, हाउ मेनी यंग अमीबी, अच्छा हैच, ठीक है 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे। आगे सिस्ट ऑफ द एंटामीबा हिस्टोलिटिका स्प्रेड बाई, सिस्ट ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका किसके द्वारा स्प्रेड होते हैं, हाउस फ्लाई द्वारा। और उसके बाद है क्रोमेटॉइड बॉडी ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका आर फाउंड इन द, क्रोमेटॉइड बॉडी ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पे पाई जाती है, तो आप कहेंगे सिस्ट वॉल के अंदर पाई जाती है। आगे आ जाते हैं, फॉर प्रिवेंशन अगेंस्ट अमीबियासिस वी शुड, अगर हमसे अमीबियासिस से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, ड्रिंक बॉयल वाटर, हमें कैसा पानी पीना चाहिए, पानी को उबाल करके पीना चाहिए। और अगला है आपका द मेटासाइक्लिक फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियस, मेटासाइक्लिक फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस कैसा होता, तो आप कहेंगे 4 होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको जानना आवश्यक था एंटामीबा हिस्टोलिटिका का। तो अपने मित्रों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद।